आयुर्वेद अपनाएं, स्वास्थ्य अपनाएं। आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को जड़ समेत खत्म करती है। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनिद्रा कैसे दूर भगाएं। फ्रेंड्स, अगर आप भी नींद आने की बीमारी से परेशान हैं तो आप यहाँ दिए गए इस उपाय को अपनाना चाहिए, जिससे आप भी इस परेशानी से छुटकारा पा सकें। इसलिए देखते रहिए हमारी ये वीडियो। और हाँ, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे हेल्थ टिप समय समय पर मिलते रहें। नींद न आने से कई तरह की बीमारी हमारे शरीर में जन्म ले लेती हैं। अगर नींद ठीक से आ जाती है तो दिन भर की फुर्ती बनी रहती है, अन्यथा सिर में दर्द और उबासी आने जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रात को नींद लेते समय किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी नींद आने में परेशानी हो रही है तो आप यहाँ दिए गए कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, शतावरी, मुलहटी, आंवला, जटामासी, अलसी, खुरासानी, अजवाइन, प्रत्येक को 50-50 ग्राम की मात्रा में ले लें और बारीक चूर्ण बना लें। रात को सोने से पहले 3-5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करें। एक सप्ताह बाद इसका प्रभाव देखें। अनिद्रा खत्म होकर गहरी नींद आने लगेगी। इस उपाय की मदद से उच्च रक्तचाप से भी आराम मिलता है। इस उपाय से आपको नींद की दवा की तरह कोई बेहोशी नहीं आती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ दिए गए इस उपाय को अपनाते हैं तो आप भी नींद आने की बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसलिए इन उपायों को अपनाएं और फायदा उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी जरूरतमंद लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।